हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। बीकानेर निदेशालय का ऑर्डर है, जो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं और यह लग चुके हैं, तो उनमें सवाल रहता है दिमाग में कि वापस हिंदी मीडियम में आ सकते हैं क्या। तो उसी को लेकर बीकानेर का ऑर्डर है, तो ध्यान से समझना पूरा मैटर क्या है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसपी सिविल याचिका, ठीक है, मुकेश कुमारी बनाम राजस्थान राज्य को निस्तारित करते हुए निर्णय 4 अप्रैल 2024 में सक्षम प्राधिकारी का अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिए गए। ठीक है, मुकेश कुमारी अध्यापक लेवल प्रथम ने अपने अभ्यावेदन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किया है, मतलब तो वापस से हिंदी मीडियम में आना चाहता है उसका प्रस्तुत किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 4 अप्रैल के आलोक में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिकों के प्रतिवर्तन, चयन निरस्त है ना, प्रतिवर्तन को बोलते हैं चयन निरस्त, पुनः हिंदी माध्यम विद्यालयों में समायोजन हेतु जारी पत्रों, अभिलेखों एवं राजस्थान सिविल सेवा हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा विशेष की सेवा शर्त है इस नियम में के परिप्रेक्ष्य में गुणों के आधार पर परीक्षण उपरांत निम्नानुसार स्थिति पाई गई। क्या स्थिति पाई गई? कि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/1/2023 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तों के लिए प्रक्रिया अब भी अधिकृत करते हुए राजस्थान सिविल सेवा है ना नियम में अधिसूचित किया गया। उक्त नियम में परिवर्तन में प्रावधित है कि सामान्यतः मध्यवर्ती सत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक का प्रतिवर्तन हिंदी माध्यम विद्यालयों में स्वीकार नहीं होगा, वापस हिंदी में भी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, प्रतिवर्तन के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन, नई चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निदेशक द्वारा यथावि निर्दिष्ट समय में लिए जाएंगे। ऐसे प्रतिवर्तन के कारण होने वाली रिक्तियां भावी रिक्तियों के रूप में आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित की जाएगी। जो भी रिक्तियां होगी आगामी प्रक्रिया में शामिल कर ली जाएगी। ऐसे प्रतिवर्तन के लिए इच्छुक कार्मिक नई चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर प्रतिस्थापित कार्मिक के पद ग्रहण के पश्चात पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकार को सुपुर्द किया जाएगा। निदेशक आपवादिक परिस्थितियों में सम्यक अभिलिखित आधारों पर किसी भी समय प्रतिवर्तन अनुज्ञात कार्य सकेगा, प्रतिवर्तन भी कर सकेगा। उक्त नियम में उल्लिखित प्रावधान के अंतर्गत निदेशक द्वारा इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त पदों के लिए नई चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व विभागीय पत्र 26/4 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से अपने परिपत्र में शामिल अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित इच्छुक कार्मिकों से प्रतिवर्तन के विकल्प आवेदन लेने हेतु निर्देशित किया गया। ठीक है, कि कौन कौन आना चाहता है वापस हिंदी में, ताकि प्रतिवर्तन से होने वाले भावी रिक्तियों को भी नई चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, कि जो भी खाली होगी उसको नई प्रक्रिया में शामिल कर ले। उक्त के क्रम में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय स्तर पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित इच्छुक कार्मिकों से प्रतिवर्तन के विकल्प आवेदन प्राप्त किए गए थे तथा प्राप्त प्रतिवर्तन विकल्प आवेदन की जिलेवार समेकित सूचना नामवार पदवार विधेयवार निदेशालय को भिजवाई गई। उक्त नियम के नियम 13 में उल्लिखित प्रावधान के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम में चयन पश्चात पदस्थापित इच्छुक कार्मिकों के हिंदी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय से उपयुक्त अनुसार प्राप्त प्रतिवर्तन के विकल्प आवेदनों की संख्या तत्समय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में उपलब्ध रही अधिक रिक्तियों व अध्ययन विद्यार्थियों का अध्यापन प्रभावित ना हो को ध्यान में रखते हुए है ना, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त विकल्प आवेदनों पर विचार नहीं किया गया, उन पर विचार ही नहीं किया गया सभी फॉर्मों पे प्रतिवर्तन पे, जो कि राज्य विभाग हित में है, इसको राज्य और विभाग हित में बताया। ठीक है, जो वापस जाना चाहते थे। याचिकाकर्ता मुकेश कुमारी अध्यापक लेवल प्रथम के अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश स्वयं विधि नियमों के तहत गहनता से अवलोकन मनन व विचार करने उपरांत माननीय राजकीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4 अप्रैल 2024 के अनुपालन में उपयुक्त अनुसार विवेचन को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता मुकेश कुमार अध्यापक लेवल प्रथम का अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाकर निस्तारित किया जाता है। कुल मिला के जाओगे अपनी मर्जी से, लेकिन वापस हिंदी मीडियम में आप नहीं आ सकते, फिर इनकी मर्जी चलेगी। तो जो भी इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं,
वही एक बार चले तो जाओगे लेकिन वापस आने का कोई विकल्प नहीं है, वापस से समायोजन होने का कोई विकल्प नहीं है। आप देख सकते हो हाई कोर्ट के आदेश को भी इन्होंने निस्तारित कर दिया है। ठीक है, तो जो भी साथी इंग्लिश मीडियम में है वो भी ध्यान से पढ़ ले, इसको देख ले, और जो अब जाना चाहते हैं वो भी इनको अच्छे से समझ ले क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी है। ठीक है, आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बाय।